तो आज है क्रिसमस, तो मेरी क्रिसमस। मैं नहा वहा करके रेडी हो गई हूँ एंड आज मैं क्रिसमस वाला व्लॉग बना रही हूँ। तो भी रेड रेड ड्रेस पहना मैंने, ये देखो भी पहना मैंने। अब चलते हैं घर के अंदर एंड अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो क्रिसमस स्पेशल केक बनाऊंगी मैं एंड ये है बाबू। चलिए चलते हैं अंदर किचन में, थोड़ा नहाई थी ना, बाल गीला था, धूप में आई थी, बट देर हो जाएगी इसलिए चलते हैं अंदर केक बनाते हैं। अच्छा तो आज क्रिसमस है एंड मैंने यहाँ पर सुबह सुबह फ्रूट केक बेक करने चढ़ा दिया है। ये मैंने डोनट शेप का बनाया है, तो चलिए अब इसको ढक देते हैं एंड मिलते हैं हाफ एन आवर के बाद। बनेगा। और यहाँ पे मैं बहुत साल पुराना, बरसों पुराना, कम से कम 4-5 साल पहले एक बार हम लोग बिहार में थे तो पापा इस बाबू के लिए लाए थे एक क्रिसमस वाला ड्रेस। तो अभी एक भी इसके पास रेड ड्रेस नहीं है, मैं तो पूरा रेड पहन ली, बट इसके पास एक टी शर्ट भी रेड नहीं है ऐसा है। तो मैं अलमीरा में से निकाली हूँ, इसको कैसे कैसे खींच खाच के पहनाऊँ क्योंकि ये तो वेलवेट टाइप का होता है ना, तो हो जाएगा मे भी। ये देखो ये हो जाएगा बेटा, पहन के देखना। पैंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पैंट देखो कितना छोटा है, किसी छोटे बच्चे को हो जाएगा, मुझे नहीं हो पाएगा बेटा। एंड ये एक ये है गिफ्ट वाला जो होता है ना, एंड टोपी है। एक भी रेड ड्रेस नहीं है तो मैं कैसे भी करके आज के लिए मैं यही पहनाऊंगी, इसको पहन के देखना बेटा। ये पैंट भी पहनो, पैंट नहीं होगा तो भी चलेगा, बस ऊपर वाला हो जाए। टोपी तो है ना, मुझे ये टोपी सेट कर रही है, वाला पहनना कलर, ये वाला कलर ये मैच कर रहा है। मैंने इसी के ऊपर लगा, देखो हो गया, कैसे भी मैनेज करके पहना दूंगी रेड रेड आज के लिए, क्योंकि मेरे पास एक भी नॉर्मल, इसके पास नॉर्मल ड्रेस भी रेड नहीं है, मतलब एक भी टी शर्ट वगैरह। तो चलिए क्रिसमस का ये इसका भी ड्रेस हो गया एंड अब चलते हैं, मैं केक आप लोगों को दिखाती हूँ। बिरबल की खिचड़ी बन गई, केक कब से चढ़ा हुआ हो ही नहीं रहा, मतलब दिखाती हूँ। तो ये है हमारा केक बना, तो बहुत अच्छा है, पूरा फूल गया है, देख रहे हैं यहाँ तो पूरा ऊपर तक आ गया है। बट ये जो मैंने डोनट शेप के लिए टिफ़िन डाला था ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो गया, एक बार उठा के दिखाती हूँ। ये देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, कलरफुल पूरा, देखो थोड़ा सा बिगड़ गया है, यहाँ तो पूरा फूल के ऊपर तक आ गया है, टेढ़ा मेरा हो गया है। तो ठीक है, जो भी है टेस्ट अच्छा होना चाहिए। शेप में क्या रखा है, इसको ढकते हैं थोड़ी देर, 5-7 मिनट और इसको बेक होने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे, केक कट करेंगे। ये मेरा छोटा सा सैंटा, ये कैसे भी खींच खाच करके पहन ही लिया, पैंट भी पहन लिया, ऊपर तो अच्छे से हो गया है बट पैंट थोड़ा सा छोटा था, बट पहन लिया, कोई दिक्कत नहीं। अम्मा बेटा दोनों रेडी हो गए हैं क्रिसमस के लिए, दोनों रेड रेड पहन के, पापा का कुछ नहीं हो, रेड कलर का टी शर्ट पहना देंगे उनका एंड जब केक बेक हो जाएगा तब बाहर, अभी टाइम हो रहा है, टाइम देखो 12 बजने वाले हैं, केक बेक हो जाएगा ना तो फिर बाहर ही बैठ के केक कट करेंगे धूप में बैठ के। चलिए ये केक बन के हमारा रेडी है, मैंने इसको फ्लेम को बंद कर दिया है, देखने में तो बहुत सुंदर भी लग रहा है एंड साइड से छोड़ भी दिया है, बना तो अच्छा है बट थोड़ा थोड़ा मेरे बेटा से सबर नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा निकाल के इधर साइड से खा लिया है, इसमें से देखो स्पून से निकाले खा लिया है। तो अब बीच का जो टिफ़िन था डोनट के लिए मैंने रखा था, इसको निकालते हैं, थोड़ा सा गर्म भी है, इसको निकालो। वो भाई साहब ये देखो ये बीच में क्या है, मे बी वो बैटर थोड़ा सा इधर अंदर बह के आ गया होगा। तो चलिए हमारा फ्रूट केक डोनट शेप का रेडी है, देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये भी इस केक को निकालते हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा, आराम से देखो। अच्छा तो हमारा केक तो बन के रेडी है एंड मैंने सोचा था कि केक बन जाएगा ना तो फिर बाहर बैठ के हम लोग केक कट करेंगे, ये देखने में अच्छा तो लग रहा है ना, ये देखो अच्छा लग रहा है ना, थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लेते हैं। तो केक देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बट बाहर जो है धूप का नामो निशान नहीं, दूसरे बिल्डिंग पर आ गया धूप, हमारे इधर से जा चुके हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये केक बहुत टाइम लिया है बनने में इसलिए धूप चली गई। तो चलिए अंदर ही घर में ही बैठ के केक कट करके क्रिसमस मनाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है बाहर आकर के। चलो घर में ही केक कट करते, बाहर धूप नहीं है यार। हैप्पी मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस होता है, हैप्पी क्रिसमस होता है, मैरी क्रिसमस। बाहर सोची थी बाहर अच्छे से केक कट करेंगे या फिर टेबल पे, बट छोड़ो जो भी है घर में ही कट कर लेते हैं, आपने तो कुछ पहना ही नहीं, खाली टोपी है। चलो आप क्रिसमस सॉरी केक कट करते, चलो इधर सांता बन गया, आइए केक
क्या बोलेंगे? मैरी क्रिसमस। केक कट करो यार, मैं ही कर रही हूँ खाली। केक बना तो बहुत अच्छा है ये, आई एम श्योर, बट थोड़ा सा देखने में भी अच्छा है, देखने में खराब थोड़ा ना है। बस टाइम बहुत ले लिया है। हेलो, मैरी क्रिसमस। गरम है ना? मैरी क्रिसमस। मैं खिलाता हूँ आपको। अच्छा, फ्रूट केक जैसा होना चाहिए वैसा ही है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट चॉकलेट केक है, बट ये भी अच्छा है। तो चलो, क्रिसमस सेलिब्रेशन हो गया। मैं बस यही था, केक बनाया, खाया, रेड रेड ड्रेस पहना। फोन उठाती हूँ। एंड इसके बाद थोड़ी टाइम के बाद, अभी तो आफ्टरनून का टाइम है, लंच वंच करते हैं एंड देन शाम को मे बी हो सके तो थोड़ा सा बाहर जाएंगे। हर साल जाते हैं ना हम लोग, इससे पहले वाले ईयर गए थे, उससे भी पहले वाले पास में थीम पार्क है एक, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से रहता है, तो मे बी वहाँ जाएंगे, तो फिर वहाँ पे भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, शूट करूँगी। तो यहाँ पे मेरे सांता को अपने बैग में भरने के लिए चॉकलेट चाहिए था। अब ठीक है, ठीक है, चलिए आपने चॉकलेट भर लिया है, अब सबको बांटेगा, है ना? क्या मिला? चॉकलेट। छोटा सांता को बड़ा सांता से चॉकलेट मिला। एंड अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे थीम पार्क में। बहुत भीड़ है यार। बाबू को तो यहाँ बस चॉकलेट बांटना है, देखो छोटा सांता, उनको तो मैरी क्रिसमस। खाली हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। और ये है थीम पार्क, एवरी ईयर आते हैं। ये देखो, अभी तो शाम हो गई है, हम लोग गए थे पार्क स्ट्रीट साइड गए थे, वहाँ तो इतनी भीड़। वापस पार्क स्ट्रीट में तो क्रिसमस में कितना भीड़ रहता है ना, देखने लायक रहता है, तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे। एंड वो मैदान है ना, वहाँ पे भी गए थे, बट मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की क्योंकि अभी बहुत फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था, तो गाना वाना पूरा चल रहा था, इसलिए कॉपीराइट का था ना, इसलिए मैं वहाँ पे शूट नहीं की, कुछ की ही नहीं, कैमरा ही नहीं, मतलब फ़ोन ही नहीं निकाली। अभी यहाँ पे आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे तो हर साल ऐसे ही रहता है, कुछ अलग नया नहीं है, ऐसे हमेशा ही रहता है। ये देखिए, चलिए थोड़ा सा एंजॉय करते हैं आप, एंड देन उसके बाद हम निकलते हैं। तो अंदर तो बहुत अच्छा सजा रखा है, यहाँ तो एवरी ईयर होता है। ये देखिए, यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। मैरी क्रिसमस। ये देखिए, हाँ हाँ, दे दो, जिसको देना है दो। सबको चॉकलेट दे रहा है। चलिए हो गया। आ जा बाबू अंदर, आ रहा है। चलिए, यहाँ का ऐसा डेकोरेशन है, अंदर चल के दिखा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे छोटा छोटा सांता, ये देखें, ये देखें, जिंगल बेल, ये देखिए क्या सुंदर लग रहा है। ये देखिए, ये तो हो गया, उस पुल पे चलते हैं, वहाँ जो पुल है ना वहाँ पे चलते हैं। ये चले, मेरा लाल कुत्ता है कुत्तू। ये देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है, छोटा सा ऐसा लेक टाइप का है एंड बीच में इस तरीके का पुल है।
चलो और आगे नहीं जाऊंगी, बस ऐसे ही तो फूल है और कुछ नहीं। चलो बेटा चलिए बैक हो जाते हैं। अब मिलाती हूँ आप लोगों को, ये देखने में आई थी। और नहीं इस बार बहुत कम है। ओह ये देखते बस तीन ही है, बाकी सब कहाँ गया? तो रहते डिस्टर्ब हो रहा है। अब नीचे आएंगे, अब देखो नीचे आ रहे बेटा, डोंट टच। अभी नीचे आ रहे, अब फिर ऊपर चढ़ेंगे। ये पूरा चलो हो गया, फोटो सेशन हो रहा है। बाबू को भी फोटो खिंचवाना है सेंटा के साथ, है ना, है ना। इसको इसका बूट ऑफ है क्योंकि इसको गिफ्ट नहीं मिला। बेटा जाओ जाओ, जाइए बेटा, चलिए सेंटा के साथ फोटो लेते हैं। साथ में आ जाओ बेटा, साथ में आ जाइए। ये देखो बहुत अच्छा। चलिए फाइनली बाबू को गिफ्ट मिल गया, अभी हैप्पी सांता। सांता रुक जा बेटा, इधर आ जा। की परिस्थिति आ जा रहा है, अच्छे हो। ये लो छोटा सांता भी मिल गया, हैप्पी। चलिए अभी इसी के लिए इसका मूड ऑफ है। इस गिफ्ट के लिए बाबू का पूरा मूड ऑफ था, अभी सब कुछ मिल गया। सांता भी मिला, केक भी मिला, चिप्स भी मिला। अब ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मैं चलती हूँ एंड वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। ठीक है, सर मारी है यहाँ बोलने में मुझे, इसलिए मैं वीडियो को चुपचाप एंड करती हूँ। बाय।